हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स की हम बात कर रहे थे। तो इसके अंदर अब हम बात करेंगे, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हमने कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नंबर टू हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नंबर थ्री हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए शायद समझते हैं इनके बारे में, पोटेंशियल के बारे में हमने बात कर ली थी। तो अब हम टॉपिक जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो हमारे पास है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके नेम से ही हम लोगों को आइडिया हो रहा है, पता चल रहा है कि होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, मैं सभी एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, क्लियर करवाऊंगा। इक्वी पोटेंशियल प्लस सरफेस। इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, सरफेस हमारे पास जो भी। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, इट इज that surface at which every point on that surface value of electric potential remains same। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारे पास वो सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम। फॉर एग्जांपल, मैंने इस बोर्ड को इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नेम दिया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे +5 वोल्ट, यहाँ पर +5 वोल्ट, यहाँ +5 वोल्ट, इसके हर एक पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम। इसके हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तब हम इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, देखें शाबास किस प्रकार से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये चार्ज, इसकी जैसे फील्ड लाइन इस टाइप से जनरेट होगी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है +5 वोल्ट, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, कोई +5 वोल्ट कोई नेसेसरी नहीं है, ये भी +5 वोल्ट, यहाँ देखेंगे +5 वोल्ट। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर बात करें, पूछ ले कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ वी ब्रिंग ए चार्ज ऑफ +5 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई वर्क नहीं होता। ठीक है, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना। अगर यहाँ से मैं किसी चार्ज को लेकर यहाँ आए +10 माइक्रो कूलम्ब को, तो वर्क कितना होगा? 0, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये नोट कर लेना बात। वर्क डन बाय चार्ज जो होता है हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस ए टू बी हमें वर्क करना है। ठीक है, ए टू बी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल वहां है, 0, तो वर्क डन क्या होगा? 0, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी समझने की जो आपको समझनी थी। ठीक है, काफी बार ऐसा क्वेश्चन आया देखने में, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पर कोई डाइपोल है, ठीक है, -Q + Q, ये कोई इक्विटोरियल लाइन हो ए बी, यहाँ से इस पॉइंट से मैं यहाँ पर किसी चार्ज को लेकर आऊंगा ए टू बी, किसी भी चार्ज को लेकर आऊंगा प्लस क्यू को लेकर आ रहा हूँ, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी,
ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल, ये तो इक्वेटोरियल लाइन है, इसके ऊपर पोटेंशियल हमारे पास सेम रहेगा दोनों की जैसे। अब जितना इस नेगेटिव चार्ज की जैसे होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज की जैसे होगा, क्लियर। तो कैंसिल आउट करेंगे, नेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा, जीरो वर्क होगा, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम आए तो मैं बता देता हूँ, ये डिस्टेंस हम 2a लेकर चलते थे, ठीक है, कुछ याद है। ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मैंने r ले, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की जैसे क्या होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल क्या होता, नेगेटिव होता, बताया था 1/4 दिस चार्ज डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये a है, ये r क्या होगी, अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम पॉजिटिव चार्ज जैसे बात करते हैं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितने, ए आर, ये क्या होगी, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एक स्केलर है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, ड्यू टू नेगेटिव, ड्यू टू पॉजिटिव, अब दोनों सेम है, क्या हो जाए, जीरो। तो इक्विटोरियल लाइन पर नेट पोटेंशियल जो होता है ना डाइपोल की वजह से, वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। ओके, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास जीरो हो गया, वर्क डन जो होता है वो हमारे पास, यहाँ पर हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता था, ई डॉट डी आर लिख लो, ई डॉट डी एस लिख लो, ठीक है। ये रिजल्ट पीछे से आया था, हमने जब पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, तो उस केस में ये डेरिवेशन आया था, नहीं देखा था, अब चेक कर लेना, ठीक है। अब जब वर्क डन जीरो हो गया, इसका मतलब इनका डॉट जीरो, डॉट जीरो किस पे होगा, ई डी एस कोस, ये जीरो किस पे होगा, थीटा। तो थीटा जब 90 डिग्री हो जाए, जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा ही 90 डिग्री होती है, क्या होती है, 90 डिग्री। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी सरफेस पे हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होती है, नॉर्मली होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में समझते हैं हम इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ऐसा भी बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी फॉर्म में